सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का सेकंड चैप्टर यानी पार्ट दो पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है वर्ण विचार। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा भी है पार्ट दो वर्ण विचार, नाम से स्पष्ट है। इसमें आप वर्ण के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण विक्षेद क्या होता है, स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं, ये सारी बातें आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम वर्ण से शुरू करेंगे कि वर्ण कहते किसे हैं। जैसा मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखिए, वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं, इसके टुकड़े नहीं हो सकते, वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। आप शुरू से पढ़ते चले आ रहे होंगे कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। क्यों कहलाती है, ये आज मैं आपको बताऊंगी। जब भी आप कोई बात कहते हैं, ठीक है, जैसे आपने कोयल कहा, तो सबसे पहला अक्षर आपने क बोला, तो क जो हमारा है, अगर आप इसको क्यों हमने दिया है कि इसके टुकड़े नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते कि क को जब आप दो भाग में बांटना चाहेंगे, उसको अलग अलग करना चाहेंगे, तो वो अलग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो सबसे छोटी ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, उसके साथ हम मात्रा लगाते हैं तब वो अलग से दो बनता है, तो हम उस क को अलग अलग नहीं बांट सकते हैं, और इसलिए हम कहते हैं कि इसके और टुकड़े नहीं हो सकते, और वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि क अक्षर लिखो, फ अक्षर लिखो, ठीक है, तो वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। आई बात समझ में? इसीलिए कहा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि या सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, वर्ण के टुकड़े नहीं हो सकते हैं, वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। ठीक है, अब आ जाइए वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है? ठीक है, माला क्या होता है? माला जो हम गले में पहनते हैं, जैसे मैं ये माला पहनी हूँ, ठीक है, तो माला वही होता है, फूल की माला, मोती की माला, वैसे ही वर्ण की माला। ठीक है, तो जैसे हम माला, फूल की माला को धागे में बड़े पहले हम क्या करेंगे, छोटा बड़ा ऐसे करके छोटा छोटा, फिर पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लाइन से हम पिरोते हैं ताकि माला खूब सुंदर अच्छा से बने। ठीक है, वैसे वर्णों की माला, वर्ण को हम अच्छे से क्रम में रखते हैं, यानी कि क कहीं रख दिया, ठ कहीं रख दिया, घ कहीं रख दिया, ऐसे नहीं। ठीक है, लाइन से हम जब क ख ग घ अंग वर्ण की पूरा एक एक चेन उसका बना देंगे, माला की तरह क ख ग घ अंग च छ ज छ ञ, ऐसे क्रम में उसको रखेंगे तो वो वर्णमाला कहलाता है। जैसे मैंने लिखा भी है, वर्णों के क्रमिक समूह को, क्रमिक मतलब क्रम में, सीरियल वाइज, क ख ग घ अंग च छ ज छ ञ, ऐसे, ठीक है, उसी को क्रमिक कहते हैं, सीरियल वाइज। ठीक है, तो देखिए मैंने लिखा है वर्णमाला किसको कहते हैं, वर्णों के क्रमिक समूह को वर्णमाला कहते हैं। आ गया समझ में? अब आ जाइए वर्ण के प्रकार। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? आपको पता होगा कि वर्ण के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, मैंने लिखा भी है कि वर्ण के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने हैं? 11 हैं। व्यंजन कितने हैं? 33 हैं। ठीक है, हमारे पूरे वर्णमाला को हम दो भाग में बांटते हैं, एक को एक स्वर कहते हैं, एक को व्यंजन कहते हैं। तो हमारा स्वर 11 होता है और व्यंजन 33 होता है। तो स्वर 11 क्यों होता है, ये मैं आज आपको बताऊंगी। यहाँ देखिए मैंने लिखा है, ये अ आ ई ई, बड़ा ई छोटा उ, बड़ा उ, ए है री, ओ अ अं अ, ये पूरा जो अ से अ तक है, ये पूरा हमारा स्वर में आता है। आई बात समझ में? तो हम क्यों कहते हैं कि स्वर 11 है, ये आप जान लीजिए। ठीक है, देखिए मैंने लिखा है, ये इसको पढ़िए, अ आ ई ई उ ऊ ए री ओ ओ अंग अंग, अंग के नीचे मैंने डैश किया, एक लाइन खींच दी है। क्यों खींचा है? क्योंकि अंग और अ को हम, ये स्वर हो गया, अ से अ तक स्वर हो गया। ठीक है, लेकिन अंग और अ को हम स्वर में नहीं गिनते हैं, ये स्वर से इसको हम अलग हटा देते हैं, इसलिए मैंने अंग और अ के नीचे लंबी रेखा खींची है। ठीक है, तो इस अंग और अ को हम करते क्या है, इस अंग और अ को हम अयोग वा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको न तो हम स्वर में लेते हैं, न तो व्यंजन में लेते हैं, ये अलग होता है, सिर्फ इसका प्रयोग मात्रा के रूप में किया जाता है, स्वर या व्यंजन के साथ इसका प्रयोग मात्रा के रूप में किया जाता है, इसलिए हम इसको अयोग वा कहते हैं, और इसको हम स्वर में नहीं गिनते हैं।
ग्यारह हो गया, इसलिए हम कहते हैं कि स्वर हमारे ग्यारह हैं और व्यंजन हमारे तैंतीस हैं। तो व्यंजन तैंतीस कैसे हैं, ये मैं आपको अभी तो मैंने स्वर बताया, इसमें से अंग और अंग को अलग हटा दिया क्योंकि इसको मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं, इसको हम स्वर में नहीं गिनते, इसलिए हम यहाँ से अ से औ तक अगर गिनेंगे तो हमारा जो स्वर है वो ग्यारह आएगा। ठीक है, अब आइए व्यंजन तैंतीस है, क्यों तैंतीस है ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने आपको लिखा है क ख ग घ अंग च छ झ झ ञ ट ठ ड ण ण त थ द थ न प फ ब भ म य र ल भ स श ष छ ट ज। ठीक है, ये पूरा क से ज्ञ तक मैंने क ख ग लिख दिया। अब देखिए मैंने छ प्र और ज के नीचे लाइन खींचा है, क्यों खींचा है, क्योंकि हम इनको व्यंजन में नहीं गिनते हैं। ठीक है, क्यों नहीं गिनते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। छ प्र और ज को हम व्यंजन में नहीं गिनते हैं, हमारे सिर्फ इतने ही व्यंजन हैं क से और ह तक, तो जब आप इसको काउंट करेंगे यानी गिनेंगे तो आपका व्यंजन 33 आएगा। कैसे, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 78,
33 होते हैं, क्योंकि हम छ प्रज्ञा को व्यंजन में नहीं गिनते हैं, इनको बाहर हटा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे स्वर जो हैं वो 11 हो गए और व्यंजन जो हैं 33 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था अम और वा को अयवा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका प्रयोग केवल मात्रा के रूप में किया जाता है, जैसे मैंने लिख दिया है प्रातः, यहाँ पर ये अह का प्रयोग हुआ, अतः अह का प्रयोग हुआ, पतन अंग का प्रयोग हुआ, लंगुर अंग का प्रयोग हुआ। ठीक है, तो इसको हम मात्रा के रूप में हमने इसको प्रयोग किया, तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे व्यंजन जो है 33 है और हमारे स्वर जो है वो 11 है। अब मैं आपको बता दूं कि छ प्रज्ञा को हम व्यंजन में क्यों नहीं गिनते हैं। छ प्रज्ञा को हम व्यंजन में इसलिए नहीं गिनते हैं क्योंकि छ अकेला नहीं होता, इसके साथ दो व्यंजन होते हैं। ठीक है, और त्र जो होता है इसके साथ भी दो व्यंजन होते हैं, ग के साथ भी दो व्यंजन होते हैं, इसलिए हमको हम इनको व्यंजन में नहीं गिनते, संयुक्त व्यंजन इनको कहते हैं अलग से। ठीक है, हमारे वर्णमाला में चार संयुक्त व्यंजन है, छ त्र ज्ञ और श्र। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि ये दो व्यंजनों के योग से बनते हैं। कैसे बनते हैं मैं आपको यहाँ बता दे रही हूँ। छ को जब हम छ का विच्छेद करेंगे, और एक बात मैं आपको और बता दूं कि हर व्यंजन के साथ अ स्वर निकलता है, हर व्यंजन के साथ। जैसे आप क बोलेंगे तो भी अ निकलेगा, ख बोलेंगे तो भी अ निकलेगा, छ बोलेंगे तो भी अ निकलेगा, तो हर व्यंजन के साथ अ स्वर निकलता है। ठीक है, तो अब देखिए हम छ प्रज्ञा को संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि दो व्यंजन के योग से बनता है। छ जो है वो क और श के योग से बना है, इसमें अ जुड़ा होता है। ठीक है, त्र जो हमारा है वो त और र के संयोग से बना है, इसमें अ हमारा जुड़ा हुआ है। अच्छे से विस्तार से आगे का समझाऊंगी, तब तक इतना पढ़िए और ध्यान में रखिए। धन्यवाद।